स्पॉन्सर्ड बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स। उत्तमता और आधुनिकता का बेजोड़ संगम, चौटा बाजार मंडी। लंबे इंतजार के बाद आज नीरचौक मेडिकल कॉलेज के साथ बन रहा मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल बनकर तैयार हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका विधिवत रूप से शुभारंभ किया। 7 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए इस मेकशिफ्ट अस्पताल में 104 बिस्तरों की सुविधा है। यहां कोरोना संक्रमितों के लिए वेंटिलेटर सहित ऑपरेशन थिएटर की भी सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि जब कोविड समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद इसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहां आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा कमी आई है और मृत्यु दर भी कम हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रत्ती अस्पताल को सामान्य रोगियों के लिए सुचारू कर दिया गया है और जल्द ही मेडिकल कॉलेज नेरचौक को भी अब सामान्य रोगियों के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। लगभग 7 करोड़ की लागत से ये हॉस्पिटल बनकर के तैयार यहाँ पर किया गया है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें, बेड कैपेसिटी को बढ़ा सकें, और बेड कैपेसिटी ही नहीं, बेड कैपेसिटी के साथ ऑक्सीजनेटेड बेड उपलब्ध करा सकें। और ये एक हॉस्पिटल ऐसा होगा जो कोविड के पेशेंट को तो जब तक कोविड रहेगा तब तक लिए तो ये बेहतर सुविधाएं देगा ही, लेकिन कोविड अगर समाप्त होता है तो उसके बाद भी सुपर स्पेशलिटी के रूप में हम इसका इस्तेमाल जो है इसका करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध करवाने की हमने कोशिश की है। इस बात को मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तर भारत में हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जब कोविड का कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल में उसको बेड मिला है। बहुत सारे प्रदेशों में ये स्थिति रही है कि पेशेंट बेड का इंतज़ार करते रहे लेकिन बेड नहीं मिला, कि अगर थर्ड वेव का जिसका जिक्र हो रहा है अगर वो भी आती है तो भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बेड की कमी नहीं होगी। 1200 से कोविड की बेड कैपेसिटी हमने 5000 तक पहुंचाई है। 250 बेड कैपेसिटी हमने परौर में की गई राधा स्वामी सत्संग के, 200 मंडी में भी हमने और एडिशन की है जो राधा स्वामी सत्संग का खल्यार में है, और इसी तरह से 200 की बेड कैपेसिटी हमने सोलन में की है, वो भी राधा स्वामी सत्संग, उनका हम आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि कोविड के इस संकट में जितनी बेहतर ढंग से इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ निश्चित रूप से हम उस दौर से सेकंड फेज के जो इस कोविड के इस दौर से बाहर बहुत तेजी से निकलेंगे। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।